हेलो एंड वेलकम असेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है आइए शुरू करते हैं आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे पास्ट टेंस में सबसे पहले पास्ट इंडिफिनेट और उसके बाद पास्ट कंटीन्यूस टेंस और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और लास्ट में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सबसे पहले हम पास्ट इंडिफिनेट पढ़ेंगे इसकी जो पहचान होती है वह था थी थे आदि और इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इसके कुछ उदाहरण है जैसे ही सेंग वह गाता था वी सेंग हम गाते थे पास्ट इंडिफिनेंट का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डेट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इसमें एक चीज आपको नोट करनी है जैसे अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म था तो जैसे ही नेगेटिव या इंटोकेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है इसके कुछ उदाहरण जैसे ही डिड नाट सिंग वह नहीं गाता था वी डिड नाट सिंग हम नहीं गाते थे पास्ट इंडिफिनाइट इंटोकेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा डिट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इसके कुछ एग्जाम्पल्स है डिड ही सिंग क्या वह गाता था डिड वी सिंह क्या हम गाते थे अब हम पास कंटीन्यूस टेंस पढ़ेंगे इसकी जो पहचान होती है रहा था रही थी रहे थे आदि और इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और इसमें जो है ही शी इट के साथ वाज लगेगा और बाकी सब के साथ वर लगेगा सिंगुलर के साथ वास और प्लूरल के साथ वर लगेगा इसके कुछ एग्जांपल्स है ही वाज सिंगिंग वह गा रहा था वी वर सिंगिंग हम गा रहे थे पास कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और इसके कुछ एग्जैंपल्स है ही वाज नॉट सिंगिंग वह नहीं गा रहा था वी वर ंगिंग हम नहीं गा रहे थे पास कंटिन्यूस के इंट्रोगे सेंटेंस का फॉर्मूला होगा वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इसके एग्जाम्पल्स हैं वाज ई सिंगिंग क्या वह गा रहा था वर वी सिंगिंग क्या हम गा रहे थे अब हम पास परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे पास परफेक्ट टेंस की पहचान होगी चुका था चुकी थी चुके थे आदि और इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी पहचान होगी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इसके एग्जांपल्स होंगे ही हैड संग वह गा चुका था वी हैड संग हम गा चुके थे पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इसके एग्जाम्पल्स होंगे ही हैड नॉट संग वह नहीं गा चुका था वी हैड नाट संग हम नहीं गा चुके थे पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क और इसके एग्जांपल्स होंगे हैड ही संग क्या वह गा चुका था हैड वी संग क्या हम गा चुके थे अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे इसकी पहचान होगी रहा था रही थी रहे थे इसमें हमेशा ये समय दर्शाता है और इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंसिया फॉर प्लस, प्लस टाइम और इसके एग्जांपल्स होंगे ई हैड बीन सिंगिंग फॉर फोर आवर्स वह चार घंटे से गा रहा था वी हैड बीन सिंगिंग फॉर फोर आवर्स हम चार घंटे से गा रहे थे इसमें क्या कर रहा है ये सभी एग्जाम्पल्स में आप नोट करोगे तो ये समय दर्शा रहा है पास परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वरपी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनसिया फॉर प्लस टाइम और इसके एग्जाम्पल्स होंगे येड नॉट बीन सिंगिंग फॉर फोर आवर्स वह चार घंटे से नहीं गा रहा था वी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर फोर आवर्स हम चार घंटे से नहीं गा रहे थे पास परफेक्ट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लसिया फॉर प्लस टाइम एग्जाम्पल्स हैड ही बीन सिंगिंग फॉर फोर आवर्स क्या वह चार घंटे से गा रहा था हेड वी बीन सिंगिंग फॉर फोर आवर्स क्या हम चार घंटे से गा रहे थे